और ऐलान जंग में अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आज जारी की जा सकती है। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और यही कहा जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसको लेकर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 40 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम आज सामने आ जाएंगे। इनमें ज्यादातर कांग्रेस अपने सिटिंग एमपीज वाली जो सीटें हैं उसको लेकर ऐलान करेगी, सिटिंग एमपीज को रिपीट किया जाएगा और साथ ही साथ राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर औपचारिक तौर पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के बनाए जाएंगे, इसकी सूचना भी कांग्रेस की तरफ से दे दी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेन्द्र, तो मतलब आज दिन भर जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था अब वो आने ही वाली है। महाशिवरात्रि का दिन है आज और राहुल गांधी जो है वो लगातार खुद को शिव भक्त बताते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि राहुल बड़े शिव भक्त हैं और ऐसे में देखिए कैसे महाशिवरात्रि वाले दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आज जारी की जानी है। जैनेन्द्र का रुख करते हैं। जैनेन्द्र, मतलब मान लिया जाए कि इंतजार की घड़ियां अब मिनटों में सिमट कर रह गई हैं और शाम 7 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी तो फिर उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट आने वाली है। जैनेन्द्र, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी करने वाली है और हमारा सुबह से हम दर्शकों को बता रहे हैं कि कांग्रेस आज अपनी पहली सूची जारी करेगी। तकरीबन 40 नाम और अगर हम स्पेसिफिक कहें तो करीब 35 नाम पहली सूची में रहने वाले हैं और सबसे बड़ा नाम है वायनाड से राहुल गांधी। केरल में कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ती है, उन 16 में से 15 सीटों पर कल सीईसी ने मोहर लगाई थी और उन सभी 15 सीटों का ऐलान अभी अब से थोड़ी देर में होने वाला है। बड़ी बात यह है कि हमें ये जानकारी का ये बताई गई थी कि केरल में कांग्रेस अपने सभी जो है सांसदों को रिपीट कर रही है, लेकिन अब जो जानकारी छनकर आ रही है ये हो सकता है कि एक या दो सीट पर उम्मीदवार सांसदों के नाम बदले जा सकते हैं। केरल के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ वो अहम और बड़े राज्य हैं जिनके जिनकी कुछ सीटों का ऐलान कांग्रेस की पहली लिस्ट में होने जा रहा है। राहुल गांधी के अलावा एक और बड़ा नाम है भूपेश बघेल का, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब तक भूपेश बघेल कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते, वो के हवाले से सामने निकल कर आ रही है उसके हिसाब से तो ये करीब 35 उम्मीदवारों के नाम जो आपसे कुछ देर में सामने आ जाएंगे, इसमें ज्यादातर दक्षिण भारत या फिर छत्तीसगढ़ तक का मामला है। उत्तर भारत और खासतौर से उत्तर प्रदेश और अमेठी और रायबरेली उसको लेकर कोई सुखबुगाहट या अभी चुप्पी है? नहीं, देखिए कांग्रेस में जो प्रक्रिया होती है टिकट तय करने की, पहले प्रदेश चुनाव समिति जो है वो नाम अप्रूव करती है, फिर उसको स्क्रीनिंग कमेटी से आगे भेजा जाता है और फिर सीईसी में मुहर लगती है केंद्रीय चुनाव समिति में। तो उत्तर प्रदेश की अभी जो प्रदेश चुनाव समिति है उसकी ही बैठक नहीं हो पाई है और अमेठी रायबरेली को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि संभावना कम है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, प्रियंका गांधी के रायबरेली से लड़ने को लेकर के सस्पेंस है, संकेत नकारात्मक है, लेकिन फिर भी अभी उसको लेकर के कुछ भी आधिकारिक चूंकि नहीं हुआ है ऐसे में हम नहीं कह सकते। तो जो पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की कल हुई थी उसमें ज्यादा, जो आपने ठीक कहा कि दक्षिण भारत का ज्यादा हिस्सा था उसमें, खासतौर पर केरल की सभी सीटें जैसे मैंने आपको बताया एक सीट छोड़कर, और इसके अलावा तेलंगाना की सीटें, कर्नाटक की सीटें और छत्तीसगढ़ की सीटें प्रमुख तौर पर, और इसके अलावा पूर्वोत्तर की भी करीब 4 सीटें, कुल मिला के तकरीबन 35 सीटें हैं जिनके नाम पर मुहर लगी, उनका आज ऐलान किया जाएगा। कुछ सीटों को लेकर अभी चर्चा अंदर चली रही है, कुछ सीटें होल्ड पर हैं। कुछ रणनीति भी समझ में आएगी क्या दिग्गजों को चुनाव मैदान में लोकसभा में उतारने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है? जैनेन्द्र, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी नहीं, हर पार्टी चाहती है कि चुनाव में सबसे जो दमदार चेहरा है वो मैदान में जाए और ये रणनीति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने भी अपने तमाम सीनियर नेताओं से सभी प्रदेश के ये कहा है और कांग्रेस अपेक्षा कर रही है कि वो सब लोग चुनाव लड़े, लेकिन सारे राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल जो है वो जरूर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी फिर से आपका रुख करेंगे। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। राजनांदगांव वाली लोकसभा सीट पिछली बार बीजेपी के खाते में सीट गई थी, यहां से भूपेश बघेल को इस बार टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। महासमुंद से ताम्रध्वज
ताम्रध्वज साहू जो भूपेश बघेल वाली छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री थे उनको चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। बेंगलुरु ग्रामीण सीट 2019 में इकलौती सीट कर्नाटक की जो कांग्रेस के खाते में आई थी, एक बार फिर से डीके सुरेश को उस सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। थोड़ी देर में कांग्रेस की यह पहली लिस्ट आने वाली है और इसमें ये बड़े दिग्गज जिनके नाम सामने आएंगे, राहुल गांधी से लेकर, भूपेश बघेल से लेकर, ताम्रध्वज साहू से लेकर, डीके सुरेश से लेकर, ये वो तमाम नाम है जो बताया जा रहा है आज अनाउंस होने वाले हैं। इसमें नाम मैं बताऊं आपको, तिरुवनंतपुरम के एमपी लगातार 2009, 2014, 2019 कांग्रेस के लिए जो सीट बचा रहे हैं तिरुवनंतपुरम की, शशि थरूर, उनके नाम का भी आज ऐलान होने वाला है। ज्यादातर जो दक्षिण भारत की सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा उस पर फोकस रहने वाला है। लेकर चलते हैं आपको सीधे अपने सहयोगी जैनेन्द्र के पास जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैनेन्द्र, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है? जैनेन्द्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें ये वो दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं जिनको चुनाव मैदान में उतारने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है। वैसे आप देखेंगे कि चाहे डीके सुरेश का नाम हो बेंगलुरु ग्रामीण से जो इस वक्त सिटिंग एमपी है इसी सीट से, चाहे राहुल गांधी का नाम हो वायनाड से जो इस वक्त सिटिंग एमपी है इस सीट से, जो अन्य नाम है जिसमें नाम सामने भूपेश बघेल का आ रहा है, जिसमें नाम महासमंद से ताम्रध्वज साहू का निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिग्गजों को इस बार लोकसभा चुनाव में उतार कर खेल पलटने की अपने पक्ष में कोशिश एक कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, जैनेन्द्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेन्द्र, कुछ और जानकारी मिल पा रही है लिस्ट में कितने नाम के ऐलान की उम्मीद की जाए इस वक्त? मैंने आपको बताया, देखिए कल 40 नामों पर मुहर लगी थी और उसमें से 35 से 36 नामों की पहली सूची अब से कुछ देर में जारी होने वाली है। और चूंकि सूची छोटी है तो ज्यादा बड़े नामों की संख्या ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी सबसे बड़ा नाम है और इसके अलावा भूपेश बघेल है, ताम्रध्वज साहू जो छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री थे वो भी इस लिस्ट में, उनका नाम भी है। छत्तीसगढ़ में दो सिटिंग सांसद हैं कांग्रेस के, उनमें से एक बस्तर से जो है उनका नाम फिलहाल होल्ड पर है। दूसरी सांसद ज्योत्सना महंत जो चरणदास महंत की पत्नी है, कोरबा से सांसद है, उनका नाम पहली लिस्ट में है। केरल में कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ती है, 16 में से 15 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। एक अलापुजा सीट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि खुद केसी वेणुगोपाल वहां से लड़ सकते हैं, हालांकि उस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। तो अलापुजा सीट छोड़कर सभी 15 सीटों के नामों का ऐलान होने वाला है और संभवतः एक से दो मौजूदा सांसदों का टिकट केरल में कांग्रेस काटने जा रही है, बाकी सबको वापस एक बार फिर से उतारने जा रही है और उनमें राहुल गांधी एक अहम नाम है। और इसके अलावा एक तरफ बीजेपी है जिसने पहली लिस्ट जब जारी की तो तभी 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम वाली दूसरी लिस्ट आने वाली है और यहां कांग्रेस पार्टी है जिसकी मुख्य लड़ाई इसी बीजेपी के साथ है, वो अपनी पहली लिस्ट वो भी इतनी देरी से लेकर आ रही है और अभी भी जो सुबह तक 40 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की बात की जा रही थी वो शाम होते होते घटकर 35 से 36 पर आकर रुकते हैं, क्यों? बिल्कुल, देखिए ये विडंबना है और इस विडंबना से कांग्रेस कई सालों से जूझ रही है। बात 35 पे अब आई है, वो 40 से 35 पे आई है। पहले तो पहली सीईसी में बताया जा रहा था कि 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा होगी, वो घटकर 60 पर आई कि 60 नामों पर चर्चा होगी, 60 सीटों पर चर्चा हुई, 40 पर मुहर लगे, लिस्ट अब तकरीबन 35 की आ रही है। तो अब इसका जवाब तो बेहतर कांग्रेस ही दे सकती है कि इस तरीके से वो बीजेपी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं जो पहली लिस्ट जंबो लेकर आती है और तकरीबन 200 सीटों की लेकर आती है। लेकिन देखिए, देर सवेर कांग्रेस को अब जितनी सीटें वो लड़ रही है उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो करना ही है। आज से शुरुआत हुई है, अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 11 तारीख को है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो लिस्ट है कांग्रेस की वो 11 तारीख की शाम या फिर 12 तारीख को जारी होगी। और तो मतलब अभी ये माना जाए कि आज जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है ये कमोबेश उन राज्यों में जहां पर साथियों के भरोसे कांग्रेस नहीं है, अपने दम पर जहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन बचाने की जुगत में है, जिसमें केरला का आप जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं, कर्नाटक का आप जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना का आप जिक्र कर रहे हैं। जैनेन्द्र, बिल्कुल, एक केरल को छोड़ दें तो बाकी किसी भी राज्य में कांग्रेस का कोई गठबंधन दल नहीं है। केरल में छोटे दल जरूर है लेकिन केरल में कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका में है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो राज्य जहां पर कांग्रेस को किसी से बात नहीं करनी है, केरल में भी क्लियर है कि कांग्रेस की कौन सी सीटें हैं। उन तमाम राज्यों को लेकर के जो है आज लिस्ट आने वाली है। हालांकि कई ऐसे और राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा बगल का मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन राज्यों में भी कांग्रेस का किसी से गठबंधन नहीं होना है। एक दो छोटे दलों से बात राजस्थान में चल रही है। तो
वो ऐसे राज्य हैं जहां पर कि सीटों का ऐलान अभी बाकी है। जो मैं बता रहा था 11 तारीख को कांग्रेस की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसके बाद जो सूची आएगी वो बड़ी हो सकती है। उसमें राजस्थान, दिल्ली को लेकर क्या जानकारी है? दिल्ली में सीटों का बंटवारा सहमति के लिहाज से गठबंधन में हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, उसने उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के खाते में दिल्ली के अंदर जो 3 सीटें आई हैं, उन पर उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान हो सकता है क्या? सूत्र क्या बता रहे हैं जयरेंद्र? देखिए बिल्कुल भी नहीं, पूरी संभावना यही है कि दिल्ली की जो 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में है उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं होगा। बड़ी दिलचस्प बात है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से तो गठबंधन पर बात पूरी कर ली, लेकिन अपने लिए जो 3 सीट चुने उनमें उम्मीदवार कौन हो इसको लेकर कल सहमति नहीं बन पाई। 3 सीटें हैं दिल्ली में कांग्रेस के खाते में, चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली। इन तीनों सीटों पर 2-2 उम्मीदवारों के नाम, और चांदनी चौक से 3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल सीसी में गया था। सीसी ने कहा कि आप एक एक नाम फाइनल करके लाइए, तो अभी जयनेन्द्र अब आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ जहाँ जयनेन्द्र मौजूद है वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा आपको सब नजर आएंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आपके सामने होगी। कुछ ही देर में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने वाली, औपचारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से ऐलान होने वाला है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।